हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ठेले में मिलने वाली ये ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी की रेसिपी, जो डब्बे में चार पीस में कट करके दी जाती है। और अगर आपको ये कुल्फ़ी बहुत पसंद है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम पैसे में आप ढेर सारी कुल्फ़ी घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उसे देख पाएंगे। और इसे बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डाल देंगे 1/3 कप चीनी। इसे आप इस तरह से फैला कर डाल दें। और इसे हमें करना है कैरेमलाइज, तो लो फ्लेम पर हम इसे छोड़ देंगे जब तक कि जो चीनी है वो पूरी धीरे धीरे मेल्ट नहीं होने लगती। और जब तक चीनी यहाँ पर मेल्ट हो रही है तब तक हम इसके लिए एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने बोल में ले लिया है 1/3 कप पानी। आपको भी पानी ही लेना है, दूध नहीं लेना है। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कॉर्नस्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर। इसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। और अब हम इसमें डाल देंगे पार्ले जी बिस्किट। मैंने यहाँ पर 3 बिस्किट लिए, आप 2 या 3 यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना बिस्किट का जो टेस्ट है वो आने लगेगा कुल्फ़ी में और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 2-3 से ज़्यादा बिस्किट आप बिल्कुल भी ना लें। और इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। ये जो बिस्किट है ये थोड़ी देर में सॉफ़्ट हो जाएगी और फिर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें। तो आप इसे चाहे तो स्पून से मिक्स कर ले या फिर एक आप विस्कर ले सकते हैं, उससे भी आप अच्छे से मिक्स कर दे सकते हैं। इससे इसमें कोई लम्स नहीं रहेगा। ये देखिए, अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा बिल्कुल स्मूथ जो है वो मिक्सचर रेडी हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें बिस्किट के। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर चीनी देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चीनी भी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसे हम पकाएंगे जब तक कि जो चीनी है वो पूरी तरीके से कैरमलाइज नहीं हो जाती। ये देखिए, यहाँ पर जो चीनी है वो कैरमलाइज हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो कैरमल था वो थोड़ा ठंडा हो चुका, आप देख सकते हैं ये थिक हो गया है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ और ये वेट में 500 ml है, आधा लीटर दूध है। ये मैंने बफेलो मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क है, आपको भी फुल क्रीम मिल्क ही लेना है। और यहाँ पर जो कैरेमल है वो ठंडा होकर हार्ड हो गया है, तो जैसे जैसे ये गर्म होगा ये मेल्ट होता जाएगा। तो दूध में उबाल आने के बाद ये देखिए, मैंने इसे 5 मिनट के लिए पका लिया है मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि जो दूध है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और अब हमने जो कस्टर्ड बिस्किट का जो मिक्सचर बना कर रखा था वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसे हम, और अब हम इसे फिर से 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसे कितना पकाना है मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो आप इसे इस तरह से चलाते हुए पका लें, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड किया है, तो आप इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से बबल्स आ रहे हैं। तो हमें इसी स्टेज तक आने तक इसे पकाना है। और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए, स्पून को ये कोट कर रहा है पीछे से, बस इतना ही हमें पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे उतार लेंगे और इस तरह से हम इसे चलाते हुए ठंडा करेंगे, जिससे कि इसके ऊपर कोई मलाई ना जमे। तो इस तरह से आप इसे चलाते हुए ठंडा कर ले पंखे के नीचे, जल्दी से हो जाएगा ये। ये देखिए, यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये पहले से भी ज़्यादा थिक हो गया है ठंडा होने के बाद। तो बस ये रेडी है कुल्फ़ी जमाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये ग्लास ले लिया है, ये स्टील का भी ग्लास ले लिया है, और आप किसी में भी इसे सेट कर सकते हैं, कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। इस तरह से आपके पास डिस्पोजल कप्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे क्लीन रैप से कवर भी कर दिया है, आप चाहे तो एल्युमिनियम फॉइल से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके बीच में स्टिक भी लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए, या फिर आप इसे रात भर के लिए छोड़ दें। और जो टेम्परेचर है वो आपको हाई कर देना है आइसक्रीम जमाते टाइम। तो ये देखिए, यहाँ पर 7 घंटा हो चुका है, तो मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से इसे हाथों के बीच में इस तरह से रब करेंगे तो भी गर्मी से ये थोड़ा मेल्ट होता है और ये निकल आता है। ये देखिए, इस तरह से आप इसे हल्का हल्का से घुमा लें, या फिर आप एक नाइफ़ की हेल्प से इसके साइड्स को इस तरह से छुड़ा लें, उससे भी ये बहुत इजीली निकल जाता है। ये देखिए, हल्का हल्का से इस तरह से आप कर दें, फिर इसे पलट के हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी कुल्फ़ी थी वो निकल गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे 4 पीस में, जैसे कि ठेले पर कट करके मिलता है। तो ये हमारी देख सकते हैं आप, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही स्मूथ यहाँ पर
कुल्फ़ी जो बनी है इसमें हमने कोई भी क्रीम वगैरह ऐड नहीं किया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल जैसा आप ठेले पर जाकर खाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्रस्ट में ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।